इस वीडियो में आप सीखेंगे कि रैचेट ब्रेस का प्रयोग कैसे किया जाता है। रैचेट ब्रेस, जिसे ब्रेस और बीट के नाम से भी जाना जाता है, लकड़ी में सुराख करने या पेच कसने के लिए हाथ का उपकरण है। इसके घुमावदार आकार के हैंडल की सीधी चाल सुराख करने के समय पर्याप्त बल प्रदान कर सकती है। जिन उपकरणों और मटेरियल की आपको आवश्यकता होगी वे हैं रैचेट ब्रेस, ड्रिल बिट्स, पेच, सॉ हॉर्स, हथौड़ी, शिकंजा और लकड़ी। रैचेट ब्रेस के घुमाने वाले सिर पर शरीर का वजन डाला जाता है, क्योंकि बिट घुमाने के लिए यू आकार की शाफ्ट को हाथ से घुमाया जाता है। उपकरण के चारों ओर हैंडल घुमाने के लिए जितनी अधिक जगह होगी उतना ही अधिक बल लगेगा। रैचेट के बनावट में दो गार्ड होते हैं जो उस पतली शाफ्ट के ऊपर चढ़े होते हैं जो ब्रेस को ड्रिल बिट को दाईं या बाईं ओर घुमाने में सहायता करती है। इससे तंग कोनों में छोटे दो तरफा स्ट्रोक किए जा सकते हैं, जहां पर पूरे 360 डिग्री पर घुमाना सीमित होता है। इसके सेंटर में चार जबड़ों वाली चक विभिन्न साइज के बिट को कसकर पकड़ती है। प्रत्येक कार्य के लिए विभिन्न प्रकार की ड्रिल बिट्स होती है। कुछ सामान्य प्रकार है ट्विस्ट ड्रिल बिट, स्पेड या पैडल ड्रिल बिट और स्क्रू बिट। ट्विस्ट ड्रिल बिट में एक केंद्रीय नोक वाली शाफ्ट के साथ साथ पेचदार धारियां होती है और कभी कभी अतिरिक्त सहायता के लिए काटने की दो सहायक नोक भी होती है। स्पेड बिट में एक केंद्रीय नोक होती है जो सुराख की शुरुआत करती है और बिट को उस समय रोक कर रखती है जब पैडल के आकार के दो ब्लेड अपने आसपास की लकड़ी को बाहर निकालते हैं। हाथ के पेचकस की तुलना में ब्रेस और स्क्रू ड्राइवर बिट बहुत अधिक दबाव और बल लगा सकते हैं। पेच के सिर के प्रत्येक प्रकार के अनुरूप विशेष प्रकार की बिट्स उपलब्ध है। ब्रेस में बिट फंसाने के लिए चक के जबड़ों को ढीला करें। बीच की जगह में बिट के शैंक को रखते हुए जबड़ों के बीच में बिट को पकड़े। चक को तब तक घुमाएं जब तक जबड़े शैंक के चारों ओर कस न जाए। सुनिश्चित करें कि कसे जाने पर चक के जबड़ों ने बिट को पकड़ लिया है, क्योंकि एक सीध में न होने पर यह जबड़ों पर दबाव डालकर खराब कर सकती है। चक को तब तक घुमाएं जब तक इसे और घुमाना कठिन न हो जाए। ट्विस्ट ड्रिल बिट की नोक को वांछित जगह पर रखें। धीरे से सुराख करना आरंभ करें। पहले कुछ देर घुमाने के बाद बिट लकड़ी के साथ जुड़ जाएगी। जब आप हैंडल घुमाते हैं तब सिर को मजबूती से पकड़े। पहली बार देखने पर रैचेट ब्रेस मुश्किल लग सकता है, लेकिन अभ्यास के साथ इससे काम करना और अधिक आसान और सटीक हो जाता है। सिर पकड़ते हुए हाथ के पीछे बल लगाने के लिए अपने कंधे का प्रयोग करें। यदि आपकी वर्कबेंच बहुत ऊंची है तो आप एक बॉक्स या स्टूल पर खड़े हो सकते हैं। यहाँ हमने सॉ हॉर्स का प्रयोग किया है। स्पेड बिट के प्रयोग के समय लकड़ी के उखड़ने का ध्यान रखें, क्योंकि वे लकड़ी की दूसरी ओर से निकलने लगते हैं। दूसरी ओर से सुराख पूरा करने या लकड़ी के नीचे बेकार लकड़ी रखने से आप लकड़ी का उखड़ने से बचाव कर सकते हैं। आखिर में घुमाने के समय अतिरिक्त सावधानी बरते। जब अंत में बिट दिखाई देती है तब शिकंजे पर लकड़ी को उल्टा करें, बिट को उस जगह पर रखें और सुराख पूरा करें। लकड़ी में पेच कसते समय पेच की चूड़ियों से छोटी बिट की सहायता से पहले एक शुरुआती सुराख बनाना उचित रहता है। यदि आवश्यक है तो सुराख करने से पहले पेच को हल्के से हथौड़ी मारें ताकि यह हिले नहीं। पेच निकालने के लिए रैचेट के मैकेनिज्म को नियमित करें और उल्टी दिशा में घुमाएं। सुनिश्चित करें कि आप हमेशा पेच के सिर के अनुरूप ही ड्रिल बिट का प्रयोग करें। आपको जितनी गहराई चाहिए उसके संदर्भ के लिए बिट पर टेप चिपकाएं। अब आपने रैचेट ब्रेस का प्रयोग करना सीख लिया है।